मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे पूर्वांचल के लोगों को और खासकर योगी जी को आदि हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के नाम पर राष्ट्र के नाम पर उतने यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना जीत दर्ज की है उसके लिए पूरी जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और बहुत खुश है भाजपा परिवार कि राष्ट्र को सोचकर मोदी जी के नेतृत्व को एक बार फिर से हिंदुस्तान की आवाम ने अपने दिल से लगाया है। आप उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे चुनाव में, क्या एक उत्तर प्रदेश नई पार्टी की शुरुआत करने आए? नहीं, उत्तर प्रदेश मेरा गृह जिला है, उत्तर प्रदेश मेरा गृह घर है और गृह जनपद मेरा गोरखपुर है और देवरिया से मेरा लगाव रहा है, यहाँ से शिक्षा दीक्षा हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया हूँ और जहाँ भी मुझे लगा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए मैं वहाँ गया हूँ और चुनाव में भरपूर मदद किया हूँ वहाँ प्रत्याशियों को। मोदी जी के नाम पर सब लोग जीत के आए हैं और मोदी जी के नेतृत्व को पूरी जनता ने स्वीकार किया है। मोदी जी को एक बार फिर से 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है इस देश में। तो ये गठबंधन तो था ही नहीं कभी, ये तो स्वार्थ का गठबंधन था, ये ठगों का गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन था। गठबंधन ये लोग बनाए थे कि मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपना फ्रॉडों का गठबंधन बना था कि मोदी जी की शिकायत करके हम लोग चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस ठगों के गठबंधन को जनता ने नकार दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया और ये जो गठबंधन फ्लॉप रहा, देखिए उसका उदाहरण जीता जाता का उदाहरण है कि आज मायावती जी ने अखिलेश से अपना संबंध तोड़ लिया,